फूलों सा चेहरा तेरा कलियों से मुस्कान है, फूलों सा चेहरा तेरा कलियों से मुस्कान है, रूप तेरा देख के रंग तेरा देख के कुदरत भी हैरान है, रूप तेरा देख के रंग तेरा देख के कुदरत भी हैरान है। मैं मनीष कुमार सिंह, स्वागत है आपका अपना एजुकेशनल प्लेटफॉर्म फाइव व्हील पर। आज का लेक्चर बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही मजेदार होने वाला है, तो हम लोग इस लेक्चर के माध्यम से बहुत ही बेहतरीन टर्म को समझने वाले हैं। यह सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट इस चैप्टर का फर्स्ट लेक्चर है, तो आपको इस लेक्चर के बारे में जो भी इंपॉर्टेंट टर्म है वो सब एक एक बेहतरीन तरीके से बताएंगे। तो आप सब रेडी है तो इस लेक्चर की शुरुआत किया जाए। हाँ, बहुत सारे बच्चे रेडी है इस लेक्चर की शुरुआत कराने के लिए, तो हम लेकर चलते हैं आपको इस चैप्टर के माध्यम से बायोलॉजी की दुनिया में। तो आइए समझते हैं। आपको स्क्रीन पर दिख रहा है चैप्टर टू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। यानी आपको जो ये स्क्रीन पर जो चैप्टर दिख रहा है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। इसमें हम लोग एक एक बात को बहुत ही बेहतरीन ढंग से समझेंगे। सबसे पहले हम जानते हैं कि ये जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है ये क्या है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो ये है एक रिप्रोडक्शन का टाइप्स है जिसमें कोई भी ऑर्गेनिज्म, वो प्लांट हो या एनिमल हो, अपने जैसे नए जनरेशन को प्रोड्यूस करने के लिए वो क्या करता है, दो पेरेंट मिलकर नए जनरेशन का निर्माण करते हैं। इसके लिए इसमें गैमिट का भी फॉर्मेशन होता है और फर्टिलाइजेशन की भी क्रिया होती है। तो हम लोग एक एक बात को समझते हैं। सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि ये जो चैप्टर है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, इसमें कौन कौन से पॉइंट पर हमें विशेष फोकस करना है। तो हम लोग ये समझ लेंगे कि कौन कौन से पॉइंट पर विशेष फोकस करना है, तो आसानी से हम लोग इस चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए, आपको दिख रहा है दिस टर्म्स आर इंक्लूडेड इन दिस चैप्टर, यानी स्क्रीन पर आपको कुछ टर्म दिख रहा है, ये टर्म इस चैप्टर में इंक्लूड किया गया है। फर्स्ट नंबर आपको टर्म दिख रहा है फ्लावर, यानी फ्लावर की बात करें तो ये क्या है, तो ये फैसिनेटिंग ऑर्गेन ऑफ एंजियोस्पर्म्स। यानी फ्लावर जो है, एंजियोस्पर्म बोले तो फ्लावरिंग प्लांट को बोलते हैं, यानी फ्लावरिंग प्लांट का ये बहुत ही फैसिनेटिंग ऑर्गेन है, यानी आकर्षक अंग है। आपको प्लांट में सबसे आकर्षक क्या लगता है फटाफट कमेंट करके बताइए। तो प्लांट का बहुत सारा पार्ट होता है, रूट होता है, स्टेम होता है, लीफ होता है, फ्लावर होता है, फ्रूट होता है, लेकिन देखने में सबसे अट्रैक्टिव कौन सा उसका पार्ट लगता है फटाफट कमेंट करके बताइए। तो हम आपको लेकर चलते हैं इस बायोलॉजी की दुनिया में एक एक पॉइंट को बेहतरीन ढंग से समझाने के लिए। तो देखिए, बहुत सारे बच्चे कमेंट करना शुरू कर दिए हैं, किसी को फ्लावर पसंद है तो किसी को उसका फ्रूट पसंद है, अलग अलग अपना अपना पसंद। चलिए हम लोग देखते हैं इस चैप्टर में कौन कौन से पॉइंट पर विशेष फोकस करना है। ये आप देख रहे हैं कि फ्लावर के बारे में जैसे ही पढ़ेंगे उसके बाद ये प्री फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर एंड इवेंट्स इस टर्म को समझेंगे। यानी ये प्री फर्टिलाइजेशन की बात करें तो फर्टिलाइजेशन से पहले होने वाली घटना है, इसमें क्या क्या उसका स्ट्रक्चर है और उसमें कौन कौन सा इवेंट्स है, ये सब चीज को विशेष रूप से जानेंगे। इसके बाद समझेंगे डबल फर्टिलाइजेशन। जैसे आप रिप्रोडक्शन में जानते हैं कि फर्टिलाइजेशन की क्रिया होती है, वो भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, लेकिन एंजियोस्पर्म प्लांट की बात करेंगे तो इसमें डबल रिप्रोडक्शन
यानी सॉरी रिप्रोडक्शन में फर्टिलाइजेशन डबल होता है। डबल फर्टिलाइजेशन कैसे होता है हम लोग इस चैप्टर में विशेष रूप से समझेंगे। यहाँ पे आप देख रहे हैं पोस्ट फर्टिलाइजेशन, इसमें इसके स्ट्रक्चर और इसके इवेंट्स को समझेंगे जो फर्टिलाइजेशन के बाद घटित होता है। उसके बाद एपोमिक्सिस, एक पॉइंट को इसमें पढ़ना है जिसमें फर्टिलाइजेशन की क्रिया हुए बिना जहाँ पे यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होने वाला था वहाँ पे जब पूर्ण रूप से ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अपना स्थान ले लेता है तो उसको हम लोग एपोमिक्सिस कहते हैं। इस पॉइंट के बारे में विशेष रूप से हम लोग समझेंगे। इसके बाद से यह लास्ट पॉइंट होगा पॉली एम्ब्रायोनी, यानी बात करें तो पॉली एम्ब्रायोनी का तो एक से ज़्यादा जब एम्ब्रायो का फॉर्मेशन होता है एक सीड के अंदर तो उसको हम लोग पॉली एम्ब्रायोनी के नाम से जानते हैं। यानी इस चैप्टर में ये जो आपको पॉइंट दिख रहा है इसके बारे में एक एक करके तो बेहतरीन ढंग से समझेंगे ही, लेकिन इस पॉइंट को समझने के लिए साइड से भी अगर जो पॉइंट की आवश्यकता पड़ेगा उसको भी एक एक करके हम लोग समझेंगे कि ताकि आपको इस पॉइंट को समझने में कोई परेशानी नहीं हो। तो आप देखिए और इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए कि ताकि आपको जानकारी रहे कि कौन कौन सा पॉइंट विशेष रूप से पढ़ना है। इस चैप्टर से रिलेटेड कुछ हम लोग फैक्ट्स को समझ लेते हैं क्योंकि शुरुआत जो किसी भी चैप्टर के की जाती है तो सबसे पहले उसके अंदर क्या क्या टर्म है, कौन कौन से साइंटिस्ट है जो उस चैप्टर से रिलेटेड टर्म को बताए हैं उनके बारे में हम लोग समझ लेते हैं। आप देखिए फादर ऑफ एम्ब्रायोलॉजी यानी एक साइंटिस्ट है जिनको हम लोग अरिस्टोटल के नाम से जानते हैं। ये क्या है, इनको फादर ऑफ एम्ब्रायोलॉजी के नाम से जाना जाता है। आपको स्क्रीन पर दिख रहा है ये है अरिस्टोटल, यानी आप ये जो देखिए इनका जो जन्म हुआ था वो 384 बीसी में हुआ था और 322 बीसी में इनकी मृत्यु हो गया था। ये एक ग्रीक फिलोसोफर थे। और आपको ये जो नेक्स्ट इमेज दिख रहा है ये कौन है, पी महेश्वरी, यानी इनको हम लोग फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल एम्ब्रायोलॉजी के नाम से जानते हैं। यानी ये फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल एम्ब्रायोलॉजी किनको बोला जाता है, तो पी महेश्वरी को बोला जाता है जिनको पंजानन महेश्वरी के भी नाम से जाना जाता है। ये हमारे इंडिया का रहने वाले साइंटिस्ट है। बात करें तो राजस्थान के जयपुर में इनका जन्म हुआ था। ये कब, तो 1904 में इनका जन्म हुआ था और 1966 में इनकी मृत्यु हो गई थी। तो हम लोग समझते हैं कि ये जो भी साइंटिस्ट है इस चैप्टर में कौन कौन से टर्म को विशेष रूप से बताए हैं और उससे रिलेटेड क्या क्या पॉइंट है एक एक करके समझते हैं। यहां पे कुछ आपको स्क्रीन पर दिख रहा है अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, इस टर्म को बताने का काम किए थे हॉफ मिस्टर, जो कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं ये विलियम हॉफ मिस्टर है। ये जो साइंटिस्ट है जर्मनी के रहने वाले ये साइंटिस्ट है, यानी जर्मन बायोलॉजिस्ट कह सकते हैं ये, और ये बॉटनिस्ट है जो प्लांट में अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन होता है इस टर्म को बताने का काम किए थे। सिर्फ आप इस नाम को याद रखिएगा कि ताकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा जाए तो आसानी से आप बता सके। अगला आप पॉइंट देख रहे हैं डबल फर्टिलाइजेशन इन एंजियोस्पर्म, यानी एंजियोस्पर्म प्लांट कहें यानी फ्लावरिंग प्लांट कहें तो उसमें डबल फर्टिलाइजेशन होता है। तो इस डबल फर्टिलाइजेशन को किसने बताया है इसको हम लोग समझते हैं। ये है साइंटिस्ट जिनका नाम है नवाजचिन, 1898 में बताए हैं, जो कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा है ये नवाजचिन है जो रशियन बायोलॉजिस्ट है यानी रशिया के रहने वाले हैं। तो ये अलग अलग साइंटिस्ट अलग अलग देश के हैं लेकिन उस के द्वारा या उनके द्वारा जो भी टर्म दिया जाता है उसको पूरे वर्ल्ड लेवल पर मान्यता प्राप्त रहता है। तो आप समझ सकते हैं आप भी चाहते हैं कि इनके जैसा कुछ
कर दिखाने के लिए, तो आप इस प्लेटफॉर्म से जुड़े रहिए, आपको एक एक बेहतरीन एजुकेटर से पढ़ने का मौका मिलेगा और उस ऊंचाइयों को छूने में जहां तक प्रयास होगा हम सब हमारी टीम मिलकर आपको आगे बढ़ाएंगे। तो चलते हैं अगले पॉइंट की ओर। कुछ और भी साइंटिस्ट है जो इस चैप्टर में जो भी टर्म हम लोग को पढ़ना है उस टर्म से रिलेटेड बात को वो बताए हैं। तो ये कौन है, देखिए आपको दिख रहा है स्क्रीन पर, पोलन ट्यूब फॉर्मेशन को बताने वाले साइंटिस्ट है अमीसी, जो देखिए यहां पे स्क्रीन पर आपको दिख रहा है। ये अमीसी जो साइंटिस्ट है ये पोलन ट्यूब पोलन ग्रेन से बनता है, इस बात को बताए थे। सेक्स ऑर्गन इन प्लांट्स, यानी प्लांट में भी सेक्स ऑर्गन होता है, जैसे एंड्रोसियम कहिए, गाइनोसियम कहिए, यानी मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, इस बात को बताने का काम किसने किया था, एन ग्रीव ने। जो कि देखिए ये एन ग्रीव है, इनको थोड़ा सा आप अच्छे ढंग से पहचान लीजिए। अगला पॉइंट देख रहे हैं पॉली एम्ब्रायनी इन प्लांट्स, यानी प्लांट में पॉली एम्ब्रायनी टर्म को देने का काम किए थे एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने, वो भी कब, 1719 में। प्लांट में पॉली एम्ब्रायनी देने का काम किसने किया था, एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने, कब, 1719 में टर्म को दिए थे। देखिए ये एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक है, ये बहुत ही फेमस साइंटिस्ट है। ये एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक की बात करें तो आपको पता है ये एनिमल सेल के बारे में बताए थे सबसे पहले। तो आपको ये स्क्रीन पर जो भी तस्वीर दिख रहा है आज इस दुनिया में ये नहीं है, लेकिन ये कुछ ऐसा कर गए हैं इस धरती पे हम सब के लिए कि आज हम उनको याद कर रहे हैं। सोचिए कितने गर्व की बात है उनके लिए और हमारे लिए कि हमारे ही धरती से एक महान पुरुष का जन्म हुआ है और हम लोगों के लिए वो बहुत कुछ किए हैं। हम सब में सहयोग की भावना होना चाहिए और एक दूसरे से मिलजुल कर रहना चाहिए। दुनिया में सब कुछ क्या है, एकजुट रहकर अगर हंसी खुशी से रहेंगे तो यही हमारे लिए स्वर्ग है। तो चलते हैं हम लोग अगले पॉइंट की ओर। आपको स्क्रीन पर दिख रहा है बहुत ही एक खूबसूरत सा और बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। आप देखिए तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, हु इज कॉल्ड फादर ऑफ एम्ब्रायोलॉजी। आप फटाफट बताइए कि ये जो क्वेश्चन दिख रहा है इसका कौन सा ऑप्शन सही है। फटाफट कमेंट करके बताइए कौन सा ऑप्शन सही है, हु इज कॉल्ड फादर ऑफ एम्ब्रायोलॉजी, यानी एम्ब्रायोलॉजी के फादर किसको बोला जाता है, कौन है। ऑप्शन फर्स्ट है एन ग्रीव, ऑप्शन सेकंड है अरिस्टोटल, ऑप्शन थर्ड है हॉफमिस्टर और ऑप्शन फोर्थ है नॉन ऑफ दिस। तो फटाफट ये कमेंट कीजिए और बताइए कि ये जो आपको स्क्रीन पर क्वेश्चन दिख रहा है हु इज कॉल्ड फादर ऑफ एम्ब्रायोलॉजी, इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो आपको स्क्रीन पर जो क्वेश्चन दिया गया समझ में आ रहा है, आप अभी अभी पढ़े हैं एम्ब्रायोलॉजी के फादर कौन है, तो एम्ब्रायोलॉजी के फादर स्क्रीन पर जो दिख रहा है उसमें से फटाफट कमेंट रुकना नहीं चाहिए। गुड, बहुत सारे बच्चे ने सही जवाब भेजे हैं और कुछ बच्चे अभी भी रुके हुए हैं। आप रुकिए मत, अगर जान रहे हैं समझ रहे हैं तो फटाफट इसका जवाब भेजिए। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी अरिस्टोटल। आप अरिस्टोटल को समझ रहे हैं, ये बायोलॉजी के भी फादर है। इसके अलावा बायोलॉजी का दो पार्ट है, जूलॉजी और बॉटनी। जूलॉजी में हम लोग
एनिमल के बारे में स्टडी करते हैं और बॉटनी में प्लांट के बारे में स्टडी करते हैं। तो यहाँ तक हम कहें तो ये जूलॉजी के भी फादर हैं, बायोलॉजी के भी फादर है, और देखिए ये एम्ब्रायोलॉजी के भी फादर है, यानी ये बायोलॉजी के दुनिया में बहुत सारा योगदान दिए हैं। तब जाकर हम सब इनके द्वारा दिए गए पॉइंट को एक एक करके समझ रहे हैं। तो चलते हैं अगले पॉइंट की ओर। अगला पॉइंट आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, ये है फ्लावर, यानी फ्लावर जो होता है बहुत ही अट्रैक्टिव और फैसिनेटिंग होता है। आप समझ सकते हैं कि प्लांट का बहुत सारा पार्ट्स होता है, रूट, स्टेम, लीफ, और बात करें तो उसका फ्रूट, फ्लावर, ऐसे बहुत सारा पार्ट्स होता है। लेकिन इस पार्ट्स में से सबसे आकर्षित और अट्रैक्टिव पार्ट की बात करें तो वो कौन है? फ्लावर है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, व्हाट इज फ्लावर, फ्लावर क्या है, तो क्या बताएंगे इसको? तो देखिए हम लोग जो ये पढ़ रहे हैं चैप्टर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो इस रिप्रोडक्शन को कंप्लीट करने के लिए हमें क्या चाहिए? गैमिट चाहिए। इसमें फर्टिलाइजेशन होता है, फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट बनता है, उसके बाद जाइगोट का डेवलपमेंट होगा, जाइगोट के डेवलपमेंट के बाद जाइगोट से एम्ब्रायो का फॉर्मेशन होगा, एम्ब्रायो से फिर नए इंडिविजुअल का फॉर्मेशन होगा। तो आप समझ रहे हैं कि गेमिट कहां पर बनेगा। इस टर्म को समझने के लिए हमें प्लांट के उस पार्ट को समझना है जिसमें गेमिट का फॉर्मेशन होता है। तो हम सब जानते हैं कि प्लांट का बहुत सारा पार्ट है, लेकिन उस पार्ट में रिप्रोडक्शन करने के लिए जो पार्ट नेचर के द्वारा बनाया गया है वो है फ्लावर। इसलिए फ्लावर को हम क्या कह सकते हैं? ये अट्रैक्टिव पार्ट तो है ही, इसके अलावा ये रिप्रोडक्टिव पार्ट है। तो आप समझ गए होंगे कि फ्लावर क्या है, यह प्लांट का रिप्रोडक्टिव और अट्रैक्टिव पार्ट है। ये क्या करता है? ये गैमिट का फॉर्मेशन करेगा, फर्टिलाइजेशन की क्रिया कराएगा, और इसके अलावा नए जनरेशन को बनाने के लिए ये सीड का फॉर्मेशन करेगा, फ्रूट का फॉर्मेशन करेगा। हम लोग उसके एक एक फंक्शन को विशेष रूप से समझेंगे। तो आप देखिए यहाँ पे स्क्रीन पर दिख रहा है, फ्लावर इज ए मॉडिफाइड स्टेम विच फंक्शन एज ए रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन एंड प्रोड्यूस एग सेल एंड पोलन ग्रेन। यानी फ्लावर क्या है? तो फ्लावर एक स्टेम का मॉडिफाइड फॉर्म है, और यह रिप्रोड्यूस करता है किस चीज का, किस चीज का रिप्रोड्यूस यानी प्रोडक्शन करता है? तो ये एग सेल यानी फीमेल गैमेट का प्रोडक्शन करता है, ये पोलन ग्रेन का भी प्रोडक्शन करता है जिसके अंदर मेल गैमेट रहता है। तो आप समझ रहे हैं कि जिसमें रिप्रोडक्शन की क्रिया को कंप्लीट करने के लिए गैमेट बनता है उस ऑर्गेन को जानना अत्यंत आवश्यक है। इसलिए हम लोग इस चैप्टर में विशेष रूप से फ्लावर के स्ट्रक्चर को समझेंगे, बाकी पार्ट पे आपको ध्यान नहीं देना है, वो आपको 11th क्लास में पढ़ाया गया है, उस लेक्चर को आप देख लीजिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। तो आप समझ रहे हैं, यहाँ पे देखिए फ्लावर में क्या रहता है, एक स्टॉक रहता है। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे ये प्लांट है और इस प्लांट से एक यहाँ पे छोटा सा स्टॉक निकलेगा और यहाँ से क्या होगा, ये फ्लावर प्रोड्यूस होगा। तो आप यहाँ पे देखिए ये बहुत ही बेहतरीन ढंग से ये जो स्टॉक यहाँ पे देख रहे हैं ना, यही प्लांट बॉडी से क्या करता है, अटैच करके रखता है फ्लावर को। तो हम लोग एक एक करके बेहतरीन ढंग से समझते हैं। देखिए
आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, ये भी एक प्रकार का क्या है, फ्लावर है। और ये ऐसा फ्लावर है कि इसके बारे में अगर बात किया जाए तो ये बहुत ही इस धरती का यानी अट्रैक्टिव कहिए क्या लार्जेस्ट फ्लावर है। लार्जेस्ट फ्लावर की बात कर रहे हैं तो इसका जो यहां से यहां तक लेंथ होता है वो लगभग 3 फीट का होता है। और इसके वेट की बात करेंगे तो लगभग 15 पाउंड का, यानी लगभग ये 7 से 8 केजी का होता है। इस फ्लावर का नाम है रेफ्लेसिया, आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। इस फ्लावर का नाम क्या है, रेफ्लेसिया, जो सबसे बड़ा फ्लावर है। इसका वजन जितना बड़ा है, आप जानते हैं ना कि जब भी किसी का स्वागत किया जाता है तो उसमें उनके शरीर पर फूल की बारिश की जाती है। अब आप सोचिए कि ऐसे फूल को दो चार उठाकर फेंक दिया जाए किसी के शरीर पर तो क्या होगा, वो दबकर उसी में मर जाएंगे। तो ऐसे फ्लावर को समझने के लिए आप इस प्लेटफॉर्म से जुड़े रहिए, ऐसे ही आपको इंटरेस्टिंग फैक्ट बीच बीच में बताया जाएगा। तो है ना आपके लिए इंटरेस्टिंग, कमेंट करके बताइए क्या आप इस फ्लावर को कभी देखे थे। अगर देखे थे तो यस, नहीं देखे थे तो नो। लेकिन हम आपको इस स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, यह रेफ्लेसिया है जो इंडोनेशिया में पाया जाता है, और हमारे यहाँ इंडिया की बात करें तो ये केरल में पाया जाता है। इस फ्लावर की विशेषता यही है कि ये जमीन से इसमें और बाकी इसका कोई ब्रांच या और भी इसका लीफ ऐसा कुछ भी नहीं होता है, वो जमीन से निकलता है तो एक फ्लावर के फॉर्म में ही बनता है। और इसका जो फ्लेस होता है ना, ये देखने में तो अभी अट्रैक्टिव लगता है, लेकिन जब ये इसका समय पूरा होता है तो ये इसका जो बॉडी है जब सड़ता है तो ये जो सरे हुए जानवरों के मांस के जैसा महकता है। सोचिए ये बहुत ही खतरनाक इसका सेंट आता है, यानी इसका स्मेल बहुत ही डेंजरस होता है, जिसको इफोर्ट करना बर्दाश्त करना बड़ी मुश्किल हो जाता है। तो आप समझ लीजिए ये कितना अट्रैक्टिव फ्लावर है, और इस धरती का ही ये भी फ्लावर है। शायद आप कभी ऐसे फ्लावर को देखे नहीं होंगे, अगर देखना है तो आपको इंडोनेशिया जाना होगा, और नहीं तो केरल, केरल में आप जाइए, वहाँ के जंगल में आपको ये ऐसा फ्लावर देखने के लिए मिलेगा। देखिए ये इतना बड़ा है कि इसमें हम लोग बैठ सकते हैं, यहाँ पे छोटे छोटे बच्चे इस पर चारों तरफ से इस पर खेल भी सकते हैं। तो आप इस फ्लावर को देखिए, और आपको आनंद मिल रहा है ना इस फ्लावर को देखकर, आनंद मिल रहा है तो खुशी के साथ लगे रहिए और इस प्लेटफॉर्म से जुड़े रहिए। ते हैं हम लोग अगले पॉइंट की ओर। देखिए आपको स्क्रीन पर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन दिख रहा है, आप फटाफट इस क्वेश्चन को देखिए और इसके ऑप्शन को भी देखिए, और इस ऑप्शन को देखकर ये बताइए कि इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा। तो कमेंट रुकना नहीं चाहिए, फटाफट कमेंट कीजिए और इसके सही आंसर को फटाफट बताइए। आपको क्वेश्चन दिख रहा है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन ऑफ प्लांट, आप फटाफट बताइए कि स्क्रीन पर जो ये क्वेश्चन दिख रहा है इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, इनमें से बताना है कि रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन प्लांट का कौन सा है। तो आपको इसमें आंसर दिख गया होगा, अगर आप ध्यान से पढ़े होंगे तो आपको इसमें आंसर दिख गया होगा, फटाफट कमेंट कीजिए, कमेंट रुकना नहीं चाहिए। बहुत सारे बच्चे इस लाइव सेशन से जुड़े हुए हैं, सोनू भी है, नूर आलम है, हुआ ये कैदी 420, ये 420 ही है, पूरा एकदम जुड़े हुए हैं लोग। और आप देख रहे हैं कि बहुत सारे बच्चे इस चैनल से, इस प्लेटफॉर्म से जुड़े हुए हैं,
और कमेंट किए जा रहे हैं, इनमें से अधिकांश बच्चे का आंसर करेक्ट आ रहा है। इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन सी, फ्लावर। ये क्या है? प्लांट का रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन है। कौन? ये फ्लावर। आपको स्क्रीन पर जो ऑप्शन दिखा था, इस ऑप्शन को आप देखिए तो फर्स्ट में क्या था? स्टेम था, सेकंड में लीफ था, और थर्ड में ये फ्लावर था, और फोर्थ में रूट था। जो आपको अभी समझाया गया था, तो बताया गया था कि फ्लावर क्या है? प्लांट का अट्रैक्टिव पार्ट है, और इसके अलावा रिप्रोडक्टिव पार्ट है, रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करता है। तो प्लांट का कौन सा पार्ट? कौन सा पार्ट? तो प्लांट का फ्लावर, अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो। नहीं तो उसके प्लांट के रूट से भी नया प्लांट का फॉर्मेशन होता है, उसके स्टेम से भी होता है, उसके लीफ से भी होता है, अलग अलग प्लांट में। तो ऐसे प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, बताइए तो फटाफट कमेंट करके बताइए कि अगर प्लांट के फ्लावर को छोड़ दिया जाए तो उसके अन्य पार्ट से अगर नया जनरेशन बन रहा है तो उस रिप्रोडक्शन को हम लोग किस नाम से जानते हैं? फटाफट कमेंट करके बताइए, ये कमेंट रुकना नहीं चाहिए। देखिए बहुत सारे बच्चे सही जवाब भेजना शुरू कर दिए हैं, उसको हम लोग बोलते हैं वेजिटेटिव प्रोपेगेशन या वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। अगर प्लांट के वेजिटेटिव पार्ट से नया प्लांट का फॉर्मेशन हो रहा है तो, लेकिन उसके फ्लावर से नया जनरेशन बनेगा तो वहां पे कौन सा रिप्रोडक्शन होगा? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। चलते हैं अगले पॉइंट की ओर। ये आपके लिए बेहतरीन सा और खूबसूरत सा, देखिए स्क्रीन पर दिख रहा है, हम लोग को पढ़ना है क्या? फंक्शन ऑफ फ्लावर। कुछ बच्चे का देखिए मुंह में पानी आ गया देखकर, स्क्रीन देखकर आपके मुंह में अगर पानी आ गया है तो आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। हम स्क्रीन पर जो दिख रहा है उसमें से एक एक करके हम अभी भेजने वाले हैं, आप अपने मुंह को खोल कर बैठ जाइए, देखिए कहीं मच्छर नहीं अंदर जाए, इसका भी ध्यान रखिएगा। तो देखिए ये स्क्रीन पर कितना खूबसूरत, अभी रसीले रसीले और कितना मजेदार आम दिख रहा है, देखकर कितना आनंद मिल रहा है, सोचिए तो खाकर कितना आनंद मिलेगा। आप लोगों में से कितने लोगों को ये आम पसंद आता है, फटाफट कमेंट कीजिए। तो कितने बच्चे का ये फेवरेट फ्रूट है, फटाफट कमेंट कीजिए। तो ये जो आपको दिख रहा है स्क्रीन पर मैंगो, कितने बच्चे का फेवरेट फ्रूट है, कितने लोग इसके रस को बड़ी आनंद से बहुत अच्छे अनुभव के द्वारा इसको खाते हैं? कमेंट रुकना नहीं चाहिए, कितने बच्चे को ये रसीले आम पसंद है आप फटाफट कमेंट करके बताइए, तो हम भी समझें कि इस धरती पर हमारे जैसे और भी बहुत सारे लोग हैं जिन्हें ये प्यारा और रसीला फल पसंद है। तो हम लोग इस पॉइंट के माध्यम से देखिए एक एक करके समझते हैं। हेडिंग क्या कह रहा है? फंक्शन ऑफ फ्लावर। जो प्लांट में फ्लावर का प्रोडक्शन हुआ है या प्लांट में जो फ्लावर बना है उसका फंक्शन क्या है, उसका काम क्या है? क्योंकि आपको बताया गया था कि फ्लावर प्लांट का रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन भी है, अट्रैक्टिव ऑर्गेन भी है, लेकिन ये करता क्या है, इस बात को हम लोग एक एक करके समझते हैं। अगर हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से संबंधित टर्म के हिसाब के द्वारा अगर देखें तो आप देखिए यहां पे क्या कर रहे हैं। फर्स्ट नंबर में प्रोसेस क्या होता है? प्रोडक्शन ऑफ पोलन ग्रेन एंड एग सेल। पोलन ग्रेन की बात करें तो इसके अंदर मेल गैमेट होता है, और एग सेल तो ऑलरेडी फीमेल गैमेट को बोलते हैं। तो यानी मेल गैमेट और फीमेल गैमेट का प्रोडक्शन यानी उसका निर्माण किस में होता है? तो फ्लावर में होता है। तो हुआ ना फ्लावर का ये फंक्शन। सेकेंड पॉइंट की बात कर रहे हैं तो पोलिनेशन, ये पोलिनेशन की बात करेंगे तो पोलन ग्रेन जो बना है वो एंथर में बनता है,
जो कि आपको अभी आगे चलकर बताएंगे कि फ्लावर के कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, और उस एक एक पार्ट्स में समझाएंगे कि कौन उसका मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन है और कौन उसका फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन है। ये पोलन ग्रेन के अंदर जो गैमिट बनता है उसको हम लोग मेल गैमिट के नाम से जानते हैं और एक सेल फीमेल गैमिट है। ये दोनों फ्लावर के कौन से पार्ट में बनता है एक एक करके आपको हम समझाएंगे। लेकिन यहाँ पे बात किया जा रहा है, स्क्रीन पर आपको दिख रहा है ये जो टर्म पोलिनेशन, पोलिनेशन एक प्रोसेस है जिसमें पोलन ग्रेन एंथर से निकलकर स्टिग्मा पर पहुँचता है, वो किसी एजेंट के द्वारा जाए या चाहे खुद से जाए। तो आप समझ रहे हैं कि पोलिनेशन क्या है, एक प्रोसेस है जिसमें पोलन ग्रेन का ट्रांसफर एंथर से स्टिग्मा तक होता है। हम एक एक करके आपको एंथर क्या है, स्टिग्मा क्या है और ये पोलन ग्रेन क्या है, उसका ट्रांसफर कैसे होता है, हम एक एक करके आपको बताएंगे। आपको धैर्य बनाकर रखना है। अगर आप इस पॉइंट को आगे बढ़ाना चाहते हैं, आप रेडी है, आगे बढ़ाया जाए? यस, ठीक है, चलते हैं अगले पॉइंट की ओर। इसमें आपको थर्ड पॉइंट दिख रहा है फर्टिलाइजेशन। तो बात करें फर्टिलाइजेशन का, तो मेल गैमेट और फीमेल गैमेट के फ्यूजन को फर्टिलाइजेशन कहते हैं। तो आप बात करें कि ये वो जो फर्टिलाइजेशन होगा मेल गैमेट और फीमेल गैमेट का, ये कहां पर होगा? तो ये फ्लावर में ही होता है। कहां पे होता है? फ्लावर में ही होता है। तो हुआ ना फ्लावर का ये फंक्शन। इसके अलावा डेवलपमेंट ऑफ सीड एंड फ्रूट्स, यानी सीड का फॉर्मेशन और फ्रूट का फॉर्मेशन जो होता है फ्लावर से ही होता है। आप देखे होंगे कि किसी भी प्लांट से फल कब लगता है, जब उसके पहले, फल लगने से पहले उसमें क्या होता है, पुष्प यानी फ्लावर उत्पन्न होता है। तो वो फ्लावर आगे चलकर क्या करता है, डेवलप होकर फर्टिलाइज्ड होकर वो फ्रूट का फॉर्मेशन करता है और उस फ्रूट के अंदर सीड का फॉर्मेशन होता है। ये सीड इसलिए बनता है कि ताकि वो अपने जैसे फिर नए प्लांट का फॉर्मेशन कर सके जर्मिनेट होकर। तो हम समझ रहे हैं कि ये जो सीड है और ये फ्रूट है ये कहां पर बनता है, आप बताइए। तो ये सीड का फॉर्मेशन और फ्रूट का फॉर्मेशन प्लांट के कौन से पार्ट के द्वारा बनता है, उसके रूट द्वारा बनता है या उसके फ्लावर में बनता है या उसके स्टेम में बनता है, फटाफट कमेंट करके बताइए कि किसका मॉडिफाइड फॉर्म है ये सीड और फ्रूट, फ्लावर का या रूट का या स्टेम का, फटाफट कमेंट करके बताइए। कमेंट रुकना नहीं चाहिए। अगर आप कुछ करना चाहते हैं नया, आप कुछ करना चाहते हैं हटके, तो इस प्लेटफॉर्म से आप जुड़ जाइए। आप समझ रहे हैं इस प्लेटफॉर्म का थीम है कर कुछ हटके। जिंदगी में कुछ करना है तो इसके लिए आपको इस प्लेटफॉर्म से जुड़ना ही होगा। ये प्लेटफॉर्म आपको बेहतरीन ढंग से आपके एजुकेशन सिस्टम को स्ट्रांग बनाएगा, आपको उस मंजिल तक पहुंचाएगा जिसके इच्छा आप रखते हैं एजुकेशन के फील्ड में। तो चलते हैं हम लोग अगले पॉइंट की ओर। ये अगला पॉइंट है डिस्पर्सल ऑफ सीड्स एंड फ्रूट्स। जब सीड और फ्रूट का फॉर्मेशन हो जाता है तो उस सीड और फ्रूट का डिस्पर्सल होता है, यानी उसका एक जगह से दूसरे जगह फैलाव होता है, पहुंचता है, और वो सीड जब मिट्टी में पहुंचता है तो वहां से जर्मिनेट करके पुनः एक नए प्लांट का फॉर्मेशन करता है। तो आप समझ रहे हैं ना, ये जितना भी प्रोसेस आपको बताया गया, जो चीज भी आपको इस स्क्रीन पर बताया गया, वो सब चीज किससे रिलेटेड है, तो फ्लावर से रिलेटेड है। इसलिए ये सब क्या है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से संबंधित बात करें तो ये फ्लावर का ही फंक्शन है। इसके अलावा अगर हम फ्लावर की बात करें तो आपको पता है ना इम्यूनिटी के बात करें तो वो लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए फ्लावर का यूज किया जाता है। यहाँ तक कि बहुत सारे रिलीजियस फंक्शन की बात करें, सोशल फंक्शन की बात करें, वहाँ भी फ्लावर का यूज किया जाता है। बहुत सारे परफ्यूम बनाने में भी फ्लावर का यूज किया जाता है।
तो वैसे ही फ्लावर का अलग अलग जगह पर यूज है, लेकिन हम यहाँ पे जो चैप्टर के माध्यम से पढ़ने वाले हैं जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो उससे संबंधित अगर आपसे पूछा जाए कि फ्लावर का क्या फंक्शन है, तो आपको जो स्क्रीन पर बताया गया आप इसी टर्म को याद रखिएगा, अन्यथा बात करें तो ऐसे तो फ्लावर का यूज अलग अलग जगहों पर होता है। तो आप तो देखे ही होंगे कि ये प्रोसेस को छोड़कर और भी कितने जगहों पर फ्लावर का यूज होता है। तो चलते हैं हम लोग अगले पॉइंट की ओर। और बहुत सारे बच्चे कमेंट कर किए थे कि उनको ये स्क्रीन पर जो दिख रहा है ये रसीला आम, बहुत ही फ्लैशी फ्रूट, उनको बहुत ही आनंदित करता है। तो मुझे भी ये फ्रूट बहुत पसंद है। तो हम लोग इस सेशन के बाद आराम से दिन में बैठकर बहुत सारा फ्रूट्स को खाएंगे, लेकिन अभी आप इस को पढ़ लीजिए, समझ लीजिए, आगे बढ़ते हैं। देखिए आपको स्क्रीन पर दिख रहा है पार्ट्स ऑफ ए फ्लावर, यानी सबसे पहले फ्लावर को जो हम जान लिए कि फ्लावर है क्या, तो उसके कितने पार्ट्स होते हैं और उस पार्ट्स में कौन कौन रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करता है, भाग लेता है, उसको हम लोग एक एक करके समझेंगे। वैसे पार्ट्स की बात करेंगे फ्लावर के, तो इसमें 4 पार्ट्स होता है। एक है कैलिक्स, एक है क्रोला, एक है एंड्रोसियम और एक है गाइनोसियम। ये 4 पार्ट आप देख रहे हैं, कैलिक्स, क्रोला, एंड्रोसियम, गाइनोसियम। ये 4 पार्ट्स में से आप देखिए, ये कैलिक्स जो है ना, इसके मेंबर को हम लोग सेपल्स के नाम से भी जानते हैं और क्रोला के मेंबर को पेटल्स के भी नाम से जानते हैं। आप यहां पे देख रहे हैं कि एंड्रोसियम के एक यूनिट को स्टेमेन भी बोला जाता है और गाइनोसियम के एक यूनिट को कार्पेल या पिस्टिल के नाम से जानते हैं। तो आपको ये स्क्रीन पर जो दिख रहा है ये क्या है, ये फ्लावर का पार्ट है। इस पार्ट में से हम लोगों को समझना है कि कौन रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करता है और कौन रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता है। आपको पता है तो फटाफट कमेंट करके बताइए, तो इस 4 पार्ट्स में से कौन कौन पार्ट रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करता है। कमेंट रुकना नहीं चाहिए, फटाफट कमेंट कीजिए। अगर आपको पता है तो, नहीं पता है तो हम आपको बता देते हैं, आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। एक एक पॉइंट को बेहतरीन ढंग से हम बताएंगे आपको। सिर्फ आप इस प्लेटफॉर्म से जुड़े रहिए, आप अंत तक बने रहिएगा। जब तक ये लेक्चर समाप्त नहीं हो रहा है तब तक आप इससे जुड़े रहिए कि ताकि आपको बीच बीच में इंटरेस्टिंग फैक्ट के बारे में जानकारी होती रहे। तो हम आपको बता दें कि ये फ्लावर का कौन सा पार्ट है जो रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करता है। तो आइए हम आपको एक एक करके समझाते हैं। ये देखिए क्या है, कैलिक्स है और ये क्रोला है। ये जो 2 आप पार्ट देख रहे हैं इसको हम लोग नॉन इसेंशियल पार्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नॉन इसेंशियल पार्ट। नॉन इसेंशियल इसको हम लोग पार्ट कहेंगे। और आप जो ये देख रहे हैं एंड्रोसियम और गाइनोसियम, ये फ्लावर का क्या है, इसेंशियल पार्ट है। ये क्या है, फ्लावर का इसेंशियल पार्ट है। यानी रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करने की बात करें तो एंड्रोसियम और गाइनोसियम ये दोनों रिप्रोडक्शन में, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करता है। ये जो कैलिक्स और क्रोला जो देख रहे हैं ये इसको हेल्पिंग ऑर्गन बोलते हैं या इसको एसेसरी ऑर्गन के नाम से जानते हैं। ये सिर्फ
इस रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन की बात करें यानी भाग लेने वाले जो है एंड्रोसियम और गायनोसियम जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करता है उसका ये प्रोटेक्शन करते हैं यानी उसकी सुरक्षा करते हैं। तो आप समझ गए होंगे कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में फ्लावर का कौन सा पार्ट पार्टिसिपेट करता है, तो एंड्रोसियम और गायनोसियम। यानी एंड्रोसियम के एक यूनिट को क्या कहते हैं, स्टेमेन के नाम से जानते हैं, और गायनोसियम के एक यूनिट को हम लोग कार्पेल या पिस्टिल के नाम से जानते हैं। कैलिक्स के एक मेंबर को क्या कहते हैं, सेपल्स, और कोरोला के मेंबर्स को पेटल्स के नाम से जाना जाता है। तो आपको ये जो नाम से समझ में नहीं आ रहा है तो हम आपको डायग्राम के द्वारा समझा देते हैं, खूबसूरत तरीके से समझा देते हैं। आप ऑनलाइन क्लास से जुड़े हुए हैं और आपको बेहतरीन डायग्राम नहीं दिखे तो आराम से आपको ऑफलाइन में ही पढ़ लेना होगा, लेकिन आप इस एजुकेशनल प्लेटफॉर्म से जुड़े हैं तो हम आपको रंगीन दुनिया में लेकर चलेंगे बायोलॉजी के एक एक पॉइंट को समझाने के लिए। तो आप में से कितने बच्चे रेडी है जो इस चैप्टर को बायोलॉजी के रंगीन दुनिया से पढ़ना चाहते हैं, इस दुनिया में डूब कर पढ़ना चाहते हैं, फटाफट कमेंट करके बताइए। तो कितने बच्चे हैं जो इस बायोलॉजी के टर्म को बहुत ही बेहतरीन ढंग से इमेज और पिक्चर के द्वारा देखकर समझना चाहते हैं। कमेंट रुकना नहीं चाहिए, तभी हम आपको आगे बढ़ाएंगे, नहीं तो यहीं पे समाप्त कर देंगे इस लेक्चर को, तो फिर ये आपको जानकारी नहीं मिल पाएगा। तो देखिए बहुत सारे बच्चे कमेंट करना शुरू कर दिए हैं, यानी कि वे लोग इस फैक्ट को बेहतरीन ढंग से समझना चाहते हैं। तो चलते हैं हम अगले पॉइंट की ओर। देखिए आपको स्क्रीन पर दिख रहा है ये फ्लावर का स्ट्रक्चर है, और आपको ये फ्लावर का बहुत ही खूबसूरत डायग्राम दिख रहा होगा, और इस डायग्राम में हम लोग इसका लेबलिंग करेंगे कि इसमें जो भी आपको पार्ट दिख रहा है ये कौन कौन सा पार्ट किसको बोलेंगे। जैसा कि आपको बताया गया अभी फ्लावर के पार्ट के बारे में, कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोसियम और गाइनोसियम। तो आप सब में से फटाफट देखिए ये जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, हम आपको एक एक नाम को लेबलिंग कर देते हैं कि ताकि आपको स्पष्ट रूप से समझ में आ जाएगा कि फ्लावर का कौन सा पार्ट है जिसको कैलिक्स बोलते हैं, फ्लावर का कौन सा पार्ट है जिसको कोरोला कहते हैं, किसको एंड्रोसियम कहेंगे, किसको गाइनोसियम कहेंगे। हम एक एक करके आपको समझाते हैं। देखिए सबसे पहले हम बात करें तो इस पार्ट को हम लोग स्टॉक के नाम से जानते हैं। क्या कहते हैं, स्टॉक या पेडिसेल भी बोलते हैं। आप यहां पर देख रहे हैं इस पार्ट्स को हम लोग थैलमस कहते हैं। क्या बोलेंगे, थैलमस। तो आप सिर्फ एक एक करके ध्यान से देखते रहिए और इस प्लेटफॉर्म से जुड़े रहिए, फ्लावर के एक एक पार्ट को हम समझाएंगे। अगर आप इस पार्ट को नहीं समझते हैं तो आपको फ्लावर में जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होने वाला है ये कभी समझ में नहीं आएगा। तो आपको समझना है ना बेहतरीन ढंग से, तो इससे जुड़े रहिए। देखिए ये पार्ट्स का नाम क्या बताया गया, थैलमस, और इस पार्ट का नाम क्या है, स्टॉक है। इसके आगे आप देख रहे हैं ये जो ग्रीन पार्ट यहाँ से इधर आप फैला हुआ देख रहे हैं, इस पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं, इसी को तो बोलते हैं सेपल। क्या बोलेंगे इसको, सेपल के नाम से जानते हैं। अच्छा इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, कैलिक्स के भी नाम से जानते हैं। अब बात करते हैं ये जो कलरफुल पार्ट है फ्लावर का, इस कलरफुल पार्ट को हम लोग कोरोला बोलते हैं। क्या कहते हैं इसको, कोरोला के नाम से जानते हैं। इसी के एक मेंबर की अगर हम बात करें तो इसको हम लोग पेटल्स भी बोलते हैं। तो आप समझ रहे हैं ना, ये सेपल्स और ये क्या हो गया, पेटल्स, यानी ये कैलिक्स हो गया और ये क्या हो गया, कोरोला हो गया। ये फ्लावर का क्या है, नॉन इसेंशियल पार्ट है, यानी ये एसेसरी ऑर्गेन कह सकते हैं,
या इसको हेल्पिंग ऑर्गेन कह सकते हैं। जो फ्लावर के अंदर जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन है, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन, उसका ये क्या करता है, प्रोटेक्शन करता है और फ्लावर को अट्रैक्टिव बनाने का काम करता है। यानी सबसे अट्रैक्टिव बनाता है तो कौन, ये करोला। अगर किसी फ्लावर से करोला को तोड़कर हटा दिया जाए तो वो फ्लावर अनाथ हो जाता है, वो देखने में आपको थोड़ा सा भी अच्छा नहीं लगेगा, ऐसा लगेगा जैसे उसका पूरा दुनिया ही उजर गया है। क्या आपके साथ भी ऐसा कभी होता है, आपका कुछ ऐसा इम्पोर्टेंट वस्तु भूल गया है जो आपको नहीं मिल रहा है, या कोई आपके जीवन में कोई इम्पोर्टेंट बनकर आया और वो चला गया, तो आपको कैसा लगता है? वैसा ही कंडीशन इस फ्लावर के साथ होता है जब उसका ये पेटल्स टूटकर हट जाता है तो। लेकिन आप देखिए इसमें जो मेन रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करने वाला पार्ट वो कौन कौन है, तो देखिए आपको यहाँ पे दिख रहा है ये छोटा छोटा सा, ये पतला सा थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। इस स्ट्रक्चर को हम लोग स्टेमेन के नाम से जानते हैं। क्या कहते हैं इसको, यानी इस स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं, इस स्ट्रक्चर को हम लोग पूरा स्टेमेन के नाम से जानते हैं। ये क्या है, यानी ये स्टेमेन है। यानी स्टेमेन की बात करें तो यहां से लेकर पूरा यहां तक का स्ट्रक्चर को स्टेमेन कहते हैं, सिर्फ ये ऊपर वाले भाग को स्टेमेन के नाम से नहीं जानते हैं। ये स्टेमेन एक सिंगल ये स्ट्रक्चर को बोलते हैं, लेकिन आप काउंट करके फटाफट इस इमेज में जितना स्टेमेन दिख रहा है आप इस स्टेमेन की संख्या को बताइए तो आपको स्क्रीन पर कितना स्टेमेन दिख रहा है, इससे हम भी समझ लें कि आपको देखने का तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, या काउंटिंग में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है आपको। फटाफट कमेंट कीजिए कि इस फ्लावर में कितना स्टेमेन आपको दिख रहा है, आप काउंट करके फटाफट कमेंट सेक्शन में भेजिए तो हम देखें कि कितने बच्चे को इसमें स्टेमेन दिख रहा है। हाँ, बहुत सारे बच्चे का जवाब सही आ रहा है, इसमें स्टेमेन की संख्या 6 है। आपको यहाँ पे दिख रहा है ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 और ये क्या है 6। लेकिन आपको याद रखना होगा, आपको एक ही बात पर ध्यान देना है कि ये जो स्टेमेन 6 है, जरूरी नहीं है कि सब में 6 ही होगा, वो कम भी हो सकता है ज्यादा भी हो सकता है, तो इसके काउंटिंग पर ध्यान नहीं देना है। हम आपको इसलिए आपसे काउंट कराए थे कि ताकि आप इसको पहचान रहे हैं कि नहीं पहचान रहे हैं, मेरा टारगेट तो यही था, तो हम समझ रहे हैं आप पहचान रहे हैं स्टेमेन को। आप यहाँ पे देखिए ये बीच में जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं, बड़ा सा स्ट्रक्चर, इस बड़े स्ट्रक्चर को हम लोग बोलते हैं पिस्टिल या कार्पेल के नाम से जानते हैं। पूरा यहाँ से लेकर और यहाँ तक के स्ट्रक्चर को हम लोग क्या कहेंगे, इसको हम लोग बोलते हैं पिस्टिल, या इसी को हम लोग क्या कहेंगे, कार्पेल के नाम से जानते हैं। ये फ्लावर का क्या है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन है। और ये जो स्टेमेन की बात करते हैं, ये स्टेमेन फ्लावर का क्या है, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन है। इसको शॉर्टकट में हम लोग यानी मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन को MRO भी तो कह सकते हैं, और ये कार्पेल को यानी फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन FRO कहते हैं। ये है मरो और ये है फरो। मरो पोलन ग्रेन को बनाकर उसके बाद से मर जाता है, अब फरो में फर जाता है, तो इसलिए उसका नाम मरो और फरो रखा गया है। ऐसा नहीं, ये मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन है, उसका शॉर्ट फॉर्म है मरो, और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन है, इसका शॉर्ट फॉर्म क्या है, फरो। लेकिन आप याद रखिएगा, मरो मर जाता है और फरो बाद में चलकर फट जाता है। हम आपको समझाते हैं कैसे। तो आप देखिए यहाँ पे ये जो आप देख रहे हैं कार्पेल, कार्पेल में भी
थ्री पार्ट्स होता है। सबसे ऊपर वाला जो आप पार्ट देख रहे हैं इसको हम लोग स्टिग्मा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्टिग्मा। और आप देख रहे हैं यहाँ से लेकर जो यहाँ तक का स्ट्रक्चर है इसको बोलते हैं स्टाइल। इसको क्या कहते हैं? स्टाइल। और ये देखिए एक जो यहाँ पे बड़ा सा गोलाकार रचना दिख रहा है इसको बोलते हैं ओभरी। क्या बोलते हैं? ओभरी। तो आपको क्या पता चल गया कि ये जो पिस्टिल है या कार्पेल है इसके कितने पार्ट है? तो स्टिग्मा है, इसमें स्टाइल है और ओभरी है, यानी थ्री पार्ट इसका है। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा जाता है कि ये ओभरी फ्लावर के किस रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन का पार्ट है। तो आप क्या बताइएगा? मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन बताइएगा या फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन का पार्ट बताइएगा? फटाफट कमेंट करके बताइए। तो ये ओभरी फ्लावर के किस रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन का पार्ट है? मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन का पार्ट है या फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन का पार्ट है? तो बहुत सारे बच्चे सही जवाब भेज रहे हैं। ये फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन का पार्ट है जो आपको अभी यहाँ पे दिखाया गया। अब यहाँ बात करते हैं अगले पॉइंट की ओर। तो देखिए ये ओभरी के अंदर आपको कुछ ऐसा स्ट्रक्चर दिख रहा है। ये क्या है? इसका ओव्यूल है। ये क्या है? ओव्यूल है। तो ये ओव्यूल का फॉर्मेशन कहाँ पे होता है? तो ओभरी के अंदर होता है। यानी ओव्यूल कहाँ बनता है? तो ओभरी में बनता है। अब हम बात करें फ्लावर के मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन का, जिसको हम लोग स्टेमेन कह रहे हैं। यानी आप देखिए यहाँ पे इसको एक को क्या बोलेंगे? स्टेमेन। और ये स्टेमेन के ग्रुप को एंड्रोसियम के नाम से जानते हैं। अभी पार्ट जो बताया गया था फ्लावर का उसमें कैलिक्स, क्रोला, एंड्रोसियम और गाइनोसियम, ये फोर पार्ट बताया गया था। लेकिन आप सोचिएगा कि इसमें एंड्रोसियम और गाइनोसियम का तो सर नाम ही नहीं ले रहे हैं, वो कहाँ चला गया? तो कहीं गया नहीं है, यहीं पे है। सिर्फ आपको देखने का नजरिया होना चाहिए। तो हम आपको बताते हैं ना कि कहाँ है, अभी उसको लेकर आते हैं। आप यहाँ पे देखिए ये एक को बोलते हैं स्टेमेन और इस स्टेमेन के ग्रुप को बोलते हैं एंड्रोसियम। आ गया ना? इसमें हम एंड्रोसियम नहीं कह सकते हैं कि ये एंड्रोसियम है, ये एंड्रोसियम है, ये एंड्रोसियम है। यानी ये स्टेमेन है और इस स्टेमेन के ग्रुप को क्या कह देंगे? एंड्रोसियम। उसी तरह ये क्या है? एक है, इसको कार्पेल या पिस्टिल के नाम से जानते हैं। और ऐसे दो तीन एक साथ ज्वाइंटेड रहता है तो उस कार्पेल और पिस्टिल को ही हम लोग क्या कहते हैं? गाइनोसियम के नाम से जानते हैं। तो आ गया ना, इसी में कहीं गया नहीं है, आप भ्रम में न पड़े, हम आपको एक एक बात क्लियर करेंगे। तो आपको ये लेक्चर बहुत ही अच्छे ढंग से समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है तो कमेंट कीजिए, देर क्यों करते हैं? अगर समझ में आ रहा है तो लाइक का भी बटन दबा दें। आप जब लाइक का बटन दबाते हैं तो उससे हमारे अंदर बहुत ही एनर्जी का संचार होता है और हमारे अंदर ऐसी एनर्जी आती है कि हम मजबूर हो जाते हैं कि आपको बेहतरीन ढंग से आगे पढ़ाते रहें, समझाते रहें। और कमेंट करते हैं तो इससे तो दिल गार्डन गार्डन हो जाता है। हम आपके लिए ये मेहनत कर रहे हैं, आपको अपने लिए मेहनत करना है कि ताकि आपको एक एक पॉइंट की जानकारी बेहतरीन ढंग से हो जाए। क्या आप अपने लिए मेहनत करना पसंद करते हैं? तो ये भी कमेंट कीजिए, कमेंट करके बताइए कि क्या आप अपने लिए मेहनत करना पसंद करते हैं। हम तो, हमारी पूरी टीम, ये फाइव व्हील आपके लिए दिन रात एक करके मेहनत कर रही है कि ताकि आपको एक एक पॉइंट की जानकारी दे सके। तो चलते हैं हम लोग अगले पॉइंट की ओर। तो आपको ये फ्लावर के एक एक पार्ट्स की जानकारी बेहतरीन ढंग से हुआ, हम उम्मीद करें ना। ये पॉइंट समझ में आया कि एक बार और समझा दें? चलिए एक बार फटाफट रिव्यू कर देते हैं, एक बार और समझा देते हैं, आप इसको याद कर लीजिए फटाफट। चलिए मेरे साथ आप बोलिए। तो ये है स्टॉक। क्या है? स्टॉक। ये क्या है? थैलमस है। क्या है? थैलमस। इसके बाद आप देख रहे हैं ये कौन सा पार्ट है फ्लावर का?
कैलिक्स है, इसके मेंबर को यानी सिंगल मेंबर को हम लोग क्या कहते हैं, सेपल के भी नाम से जानते हैं। ये जो कलरफुल पार्ट आप देख रहे हैं, ये फ्लावर का कौन सा पार्ट है, तो ये कोरोला है। कोरोला बोले तो यानी इसको पेटल्स भी कहा जाता है। आप देखिए ये फ्लावर का भी जो ये पार्ट बताया गया, ये क्या है, नॉन इसेंशियल पार्ट है, यानी इसको कहे तो हेल्पिंग ऑर्गेन कह सकते हैं, एसेसरी ऑर्गेन कह सकते हैं। अब बात करते हैं कि रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन कौन सा है, तो फ्लावर का ये जो आप पार्ट देख रहे हैं स्टेमेन, ये स्टेमेन है, यानी आप यहाँ पे देखिए लिखा गया है स्टेमेन, इसको हम लोग मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन बोलते हैं, यानी स्टेमेन को क्या कहते हैं, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन के नाम से जानते हैं, और इस स्टेमेन के ग्रुप को एंड्रोसियम के नाम से जानते हैं। इसके बाद देखिए ये फटाफट आप देख रहे हैं, यहाँ से लेकर और यहाँ तक का जो आपको पूरा ये स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये पूरा स्ट्रक्चर को एक साथ हम क्या बोलते हैं, पिस्टिल या इसको कार्पेल के नाम से जानते हैं। ये फ्लावर का क्या है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन है। क्या है फ्लावर का, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन है। और आप देख रहे हैं कि इस फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन में जो ये अलग अलग पार्ट है, इसका भी नाम याद रखना होता है। तो ये फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन इन कार्पेल के सबसे टॉप पार्ट को क्या बोलते हैं, स्टिग्मा के नाम से जानते हैं। क्या बोलते हैं, स्टिग्मा। और ये फ्लावर के ये सिलेंडर पार्ट को क्या बोलते हैं, जो एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है, इस पार्ट को हम लोग स्टाइल बोलते हैं। देखिए जब आपका स्टाइल हो सकता है तो क्या इसका स्टाइल नहीं होगा, स्टाइल तो सबका होता है। आप अपने स्टाइल में रहते हैं, ये अपने स्टाइल में रहता है ना, स्टाइल से स्टाइल का मैच कराइए और देखिए ये पॉइंट आपको कितना आनंद प्रोवाइड कर रहा है। तो चलते हैं अगले पॉइंट की ओर। तो आपको पता चल गया कि ये स्टाइल है। इसके अलावा ये जो आप स्वेलन पार्ट देख रहे हैं, इसके बेसल पार्ट देख रहे हैं जो कार्पेल का, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं ओवरी। क्या बोलेंगे इसको, ओवरी के नाम से जानते हैं। ये ओवरी क्या करता है, जब फर्टिलाइजेशन की क्रिया हो जाती है तो यही फल का फॉर्मेशन करते हैं, यानी फल फ्रूट बनाने का काम कौन करता है, ये ओवरी। और ओवरी के अंदर देखिए एक स्ट्रक्चर आपको दिख रहा होगा, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ओव्यूल के नाम से जानते हैं। क्या कहते हैं इसको, ओव्यूल। और ये ओव्यूल क्या करता है, यही तो सीड बनता है। ओव्यूल किस चीज में कन्वर्ट हो जाता है, सीड में। और ओवरी किस चीज में कन्वर्ट हो जाता है, फ्रूट में कन्वर्ट हो जाता है। और बाकी ये जो आप देख रहे हैं कैलिक्स और कोरोला और बाकी ये जो पार्ट है, यानी जिसको हम लोग क्या कहते हैं, स्टेमेन कहते हैं, ये सब क्या होता है, सूखकर गिर जाता है। कब, जब फर्टिलाइजेशन की क्रिया हो जाती है उसके बाद। लेकिन आप देखिए यहाँ पे आपको एक टर्म और बता देते हैं, ये जो फ्लावर का मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन स्टेमेन की बात करते हैं, इसमें आपको देखिए दो पार्ट स्पष्ट रूप से दिख रहा होगा। ये जो छोटा सा गोलाकार पार्ट है, यानी इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एंथर के नाम से जानते हैं। क्या बोलते हैं इसको, एंथर के नाम से जानते हैं। और एंथर से यहाँ पे एक जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है, धागे समान रचना दिख रहा है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फिलामेंट के नाम से जानते हैं। क्या बोलते हैं इसको, फिलामेंट। और बात करते हैं कभी कभी इसमें से एक पार्ट और भी बता दिया जाता है कि ये एंथर है और ये फिलामेंट है, या दोनों को एक दूसरे से कनेक्ट करने वाले पार्ट को कनेक्टिव भी कह दिया जाता है। लेकिन एनसीईआरटी के द्वारा सिर्फ दो ही पार्ट बताया जाता है, आप दो ही पार्ट याद रखेंगे तो काम चल जाएगा। कौन कौन, एक एंथर और ये की हो गया ये फिलामेंट। लेकिन अलग से एक्स्ट्रा याद रखना है तो याद रखेंगे, एंथर और फिलामेंट को कनेक्ट करने वाले भाग को कनेक्टिव भी कहा जाता है। तो आपको ये पॉइंट बेहतरीन ढंग से समझ में आ गया है, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए कि ताकि आपको आगे चलकर हमेशा के लिए याद रहे। तो हम लोग चलते हैं अगले पॉइंट की ओर। देखिए आपको ये पढ़कर बहुत ही मजा आ रहा होगा, तो इसी मजे के साथ इस क्वेश्चन को भी देखिए। और अभी जो आप पढ़ाई किए हैं, इस पढ़ाई के द्वारा, इस स्टडी के द्वारा आपको कितना समझ में आया है, उसको बताने के लिए आप फटाफट इससे कमेंट कीजिए कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, जो आपको स्क्रीन पर क्वेश्चन दिख रहा है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, द मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन ऑफ फ्लावर इज, यानी फ्लावर के मेल
जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन होता है, मेन नहीं, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन, उसको हम किस नाम से जानते हैं? ऑप्शन ए है, उसको कार्पेल के नाम से जानते हैं, या ऑप्शन बी है, जिसको स्टेमेन के नाम से जानते हैं, ऑप्शन सी है, या उसको हम लोग सेपल के नाम से जानते हैं, या ऑप्शन डी है, उसको हम पेटल के नाम से जानते हैं। फटाफट कमेंट, रुकना नहीं चाहिए, एकदम फटाफट कमेंट करते रहिए कि ये क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा। तो आइए देखते हैं कि कितने बच्चे के द्वारा इसका सही जवाब भेजा गया। वाह, बहुत अच्छा, वेरी गुड, वेल डन। ऐसे ही आप जुड़े रहिए और फटाफट सही आंसर भेजते रहिए। देखिए बहुत सारे बच्चे ने काफी सही जवाब दिए हैं। देखिए इधर तो नूर आलम नहीं दिख रहा है जी। अच्छा है, संदीप भी है, अरे सोनू भी आ गया है, अरे अनामिका भी दिख रही है, अरे बहुत सारे बच्चे तो एकदम लाइन में लगे हुए हैं। ये कैदी 420 कौन है भाई? आप लोग उसको पहचानते हैं क्या? ये भी एकदम जुड़े हुए रहते हैं। चलिए लगे रहिए। देखिए ये शकील भी है, अरे वाह गजब, बहुत सारे बच्चे जुड़ गए हैं। क्या आपको ये सेशन बहुत ही बेहतरीन ढंग से समझ में आ रहा है? अरे दीपांशु, अभिषेक, अरे वाह क्या गजब, बहुत सारे बच्चे तो लाइव सेशन में जुड़े हुए हैं जी। ये तो हम तो उस समय से कमेंट देख ही नहीं रहे थे, अब तो देख रहे हैं कि अरे ये तो कब से जुड़े हुए हैं। अरे आप लोगों को कैसा लग रहा है पढ़ के? मजा आ रहा है? हाँ आ रहा है, तो आगे बढ़ा जाए। तब आप सबका कमेंट तो पढ़कर मेरा हार्ट गार्डन गार्डन हो गया और मुझे बहुत खुशी हो रहा है कि आप सब इस लाइव सेशन से जुड़े हुए हैं और इस लेक्चर को बेहतरीन ढंग से समझ रहे हैं। जहां पे आपको समझ में नहीं आए आप फटाफट कमेंट कीजिए कि सर यहां पे हम नहीं समझ पा रहे हैं, हम आपको फिर से समझाएंगे, एक एक बेहतरीन ढंग से तरीका का प्रयोग करेंगे। अगर आपको कुछ पॉइंट को समझना मुश्किल हो रहा है तो आप रिपीट करके देख लीजिए, फिर बार बार रिव्यू करके देख लीजिएगा, एक एक पॉइंट क्लियर हो जाएगा। तो बहुत सारे बच्चे के द्वारा सही आंसर भी भेजा जा रहा है, एकदम लगे रहिए ऐसे ही। चलिए आपको दिख रहा होगा ये क्वेश्चन जो स्क्रीन पर, इसका करेक्ट आंसर जो भेजे हैं लो, ये ऑप्शन बी, स्टेमेन। बी बोले तो बंटी सर। तो आप इससे जुड़े रहिए और ये बेहतरीन ढंग से समझते रहिए। तो देखिए इसका परफेक्ट आंसर क्या हुआ, स्टेमेन। क्यों होगा स्टेमेन? जिन लोगों को समझ में नहीं आया है हम समझा देते हैं कि स्टेमेन ही क्यों है। तो आपको अभी बताया गया कि स्टेमेन जो होता है फ्लावर का क्या है, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, अभी आपको यहाँ पे बताया गया था ये फ्लावर का ये स्टेमेन है ना, ये मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन है। तो समझ गए? तो चलिए अगले पॉइंट की ओर चलते हैं। देखिए आप लोग इतना समय से पढ़ रहे हैं, कितना इंटरेस्टिंग और कितना जबरदस्त है, इसके बारे में क्या कहा जाए। ये देखिए रंगीन दुनिया में हम आपको लेकर चल रहे हैं। ये इतना दिन से आप सादा सादा ब्लैक एंड व्हाइट बोर्ड पर पढ़ते आ रहे थे, आज देखिए आपको ये कितना बेहतरीन ढंग से डिजाइनिंग और रंगीन दुनिया में हम आपको लेकर चल रहे हैं बायोलॉजी के एक एक पॉइंट को समझाने के लिए। क्या ऐसा आपको ऑफलाइन में मिल सकता है? समझ रहे हैं, नहीं मिल सकता है। तो इसलिए इस एजुकेशनल प्लेटफॉर्म से जुड़े रहिए। ऑफलाइन पढ़ना है तो वहाँ भी पढ़ लीजिएगा, आपको कौन मना करने जा रहा है। आप इससे भी जुड़े रहिए और ये सेशन को आगे बढ़ाते हैं। देखिए ये आपको स्क्रीन पर दिख रहा है फ्लावरिंग प्लांट्स। ये जो फ्लावरिंग प्लांट है ये किस टाइप का होता है इसको हम लोग समझते हैं। फ्लावरिंग प्लांट की बात करें तो देखिए ये क्या है, बाईसेक्सुअल, और एक होता है यूनिसेक्सुअल। फ्लावरिंग प्लांट में बाईसेक्सुअल उस प्लांट को बोलते हैं जिसमें एक ही फ्लावर के अंदर
उसका मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन एंड्रोसियम भी रहता है और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन गाइनोसियम भी रहता है। तो वैसे फ्लावर को हम क्या कहते हैं, या वैसे प्लांट को क्या कहते हैं, बाइसेक्सुअल के नाम से जानते हैं। लेकिन यूनिसेक्सुअल की बात करें तो यूनिसेक्सुअल प्लांट उस प्लांट को बोलेंगे जिसमें मेल फ्लावर अलग होता है और फीमेल फ्लावर अलग होता है। यानी एक प्लांट में मेल फ्लावर होता है तो दूसरे प्लांट में फीमेल फ्लावर होता है, या अगर एक ही प्लांट में मेल फ्लावर भी हो सकता है फीमेल फ्लावर भी हो सकता है, तो उसको हम लोग क्या कह देंगे, यूनिसेक्सुअल। कब कहेंगे, जब प्लांट अलग अलग रहेगा तब। मेल प्लांट अलग होगा, फीमेल प्लांट अलग होगा तब। अगर एक ही प्लांट में दोनों रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन मौजूद है तो उसको हम लोग क्या कह देंगे, बाइसेक्सुअल के नाम से जानेंगे। तो चलते हैं, आप देखिए, आपको बताते हैं कि एंड्रोसियम में कौन कौन सा पॉइंट आता है। एंड्रोसियम के एक यूनिट को हम लोग क्या कहते हैं, स्टेमेन के नाम से जानते हैं। तो चलिए देखते हैं अगला पॉइंट, ये आपको स्क्रीन पर दिख रहा है एंड्रोसियम। एंड्रोसियम के एक यूनिट को क्या कहते हैं, इसके एक यूनिट को स्टेमेन के नाम से जानते हैं। क्या कहते हैं, स्टेमेन के नाम से जानते हैं। और इस स्टेमेन में के लिए आपको दिखाया गया था कि इस स्टेमेन के कितने पार्ट होते हैं, तो देखिए एक एंथर होता है, एक फिलामेंट होता है और एक कनेक्टिव होता है। लेकिन अगर आपको दो ही पार्ट बताना होगा स्टेमेन का तो आप एंथर बता सकते हैं और फिलामेंट बता सकते हैं। ये आप साइड से आप याद रख सकते हैं कि कनेक्टिव बता भी सकते हैं, नहीं भी बताइएगा तो उसे कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। लेकिन इस दो पार्ट को आप छोड़ देते हैं तो वो क्या हो जाएगा, अधूरा हो जाएगा। इसलिए छोड़ना नहीं है, उसको तोड़ देना है। तो देखिए आप यहाँ पे गाइनोसियम दिख रहा है, ये क्या है, फ्लावर का, फ्लावर का कौन सा रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन है, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन है या फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन है, कमेंट करके बताइए। ये गाइनोसियम फ्लावर का मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन है या फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन है। तो आपको दिख रहा है स्क्रीन पे, देखिए ये गाइनोसियम। इसके अलावा इसकी बात करते हैं तो इसके भी एक यूनिट को, यानी इसके एक यूनिट को कार्पेल के नाम से जानते हैं। क्या बोलते हैं इसको, कार्पेल के नाम से जानते हैं, या इसको पिस्टिल भी कह सकते हैं। और इसमें थ्री पार्ट्स होता है, एक को बोलते हैं स्टिग्मा, एक को बोलते हैं स्टाइल और एक को बोलते हैं ओवरी। तो आपको समझ में आ गया होगा कि जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन है गाइनोसियम, इसके एक यूनिट को कार्पेल कहते हैं और कार्पेल के थ्री पार्ट्स होते हैं स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। और फ्लावर का जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन होता है उसको एंड्रोसियम कहते हैं, इसके एक यूनिट को स्टेमेन कहते हैं और इस स्टेमेन के कितने पार्ट होते हैं, थ्री पार्ट होते हैं। एक को एंथर बोलते हैं, एक को फिलामेंट बोलते हैं और एक को कनेक्टिव के नाम से जानते हैं। तो है ना आपके लिए इंटरेस्टिंग टर्म, अगर आपको पढ़कर मजा आ रहा है, आनंद मिल रहा है, तो आप कमेंट करके बताते रहें कि ताकि हम इस कमेंट को देखकर फुल एनर्जी के साथ आपको पढ़ाएं, तब ना आपको भी अच्छा लगेगा, हमें भी अच्छा लगेगा। और आपका ये लाइक हमारे अंदर तो एनर्जी ही एनर्जी ला देता है, आपका कमेंट हार्ट को गार्डन गार्डन कर देता है। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो बहुत ही नेगेटिव कमेंट के चक्कर में पड़े हुए हैं। बाबू आप अपने आप को सुधारिए, ये समय बहुत ही ओझल है। जो आपका ये एज चल रहा है ना, क्या कहें, ये आपका दोष नहीं है, ये आपके समय का दोष है। उम्र ये जो है ना, इस उम्र में ऐसा होता है, ये सबके साथ होता है। अगर आपके साथ भी ऐसी घटना घट रही है तो इसमें आपका कोई दोष नहीं है। लेकिन आपको पता है ना, इन सब से गुजर कर हमें आगे बढ़ना है और अपने मंजिल तक पहुंचना है, नहीं तो इस दुनिया में हम लोग उलझ कर रह जाएंगे और जीवन भर घुट घुट कर जीना पड़ेगा। आपको आपके समाज में कोई अच्छा आदर सत्कार नहीं करेगा,
तो आप सबसे पहले हर एक काम को कीजिए, लेकिन उसमें आपको स्टडी पर फोकस करना होगा। एक आपको टारगेट बनाना होगा कि हमें जीवन में किस लक्ष्य को प्राप्त करना है। हम तो आपको इस उद्देश्य से पढ़ा रहे हैं कि ताकि हम आप ही लोगों में से यानी वर्ल्ड फेमस डॉक्टर को देखना चाहते हैं। वो आपके अंदर वो क्षमता है। अगर आप सिर्फ अपने अंदर के क्षमता को पहचान लीजिएगा ना, तो वो आप कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन आप ऐसे फालतू के चक्कर में उलझ जाइएगा, अपने टारगेट से भटक जाइएगा, तो देखिए आपको सफलता मिलना बड़ी मुश्किल हो जाएगी। तो आपको हम बेसिक चीज बता रहे हैं कि ताकि वर्ल्ड फेमस डॉक्टर को बनने के लिए जो आपका एक एग्जामिनेशन से होकर गुजरना होता है, जिसको हम लोग नीट के नाम से जानते हैं, उस नीट को आप फर्स्ट अटेम्प्ट में क्रैक कर ले। तो इसके लिए आपको बेहतरीन ढंग से एक एक पॉइंट पर ध्यान देना होगा ना, तब ना आप कुछ कर पाइएगा। तो आप फटाफट कमेंट करके बताइए, तो कितने बच्चे का टारगेट है कि मुझे आगे चलकर डॉक्टर बनना है। डॉक्टर एक ऐसा पेशा है जो कि इस धरती पर भगवान का दूसरा रूप माना जाता है। किसी का कोई भी समस्या होता है शारीरिक रूप से, तो सबसे पहले किनको याद करते हैं? वो तो सबसे पहले भगवान को याद करते हैं, और उससे याद करने के साथ साथ वो सबसे पहले डॉक्टर के पास जाते हैं। तो क्या आप नहीं चाहते हैं कि किसी के तकलीफ को आप दूर करें? हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप डॉक्टर बनकर ये मनाइए कि सभी लोग बीमारी से ग्रसित हो जाए। हमारा कहने का टारगेट ये है कि आप डॉक्टर बने और लोगों की जो भी समस्या है, जो तकलीफ है, उस तकलीफ को दूर करें। आपके हाथों से हर एक किसी का भला हो। तो हम चलते हैं अगले पॉइंट की ओर। आप लोग सिर्फ इस चैनल से अंत तक, इस प्लेटफॉर्म से अंत तक जुड़े रहें। देखिए आपको स्क्रीन पर बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन दिख रहा है, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। फटाफट कमेंट कीजिए, क्वेश्चन क्या कर रहा है? इन विच ऑफ द फ्लोइंग प्रोड्यूस पोलन ग्रेन्स एंड एग्स। आपको बताना है कि ये जो ऑप्शन दिख रहा है, इस ऑप्शन में से कौन सा पार्ट है जो पोलन ग्रेन और एग का फॉर्मेशन करता है, उसका प्रोडक्शन करता है। ऑप्शन नंबर ए क्या कह रहा है? फ्लावर। ऑप्शन बी कह रहा है स्टेम, और ऑप्शन सी कह रहा है रूट और स्टेम, यानी डी ऑप्शन कह रहा है लिप्स। यानी इन चारों ऑप्शन में बताना है कि कौन सा ये यानी प्लांट का पार्ट है जो क्या करता है, पोलन ग्रेन और एग सेल का फॉर्मेशन करता है। तो फटाफट कमेंट, रुकना नहीं चाहिए। देखिए इसमें बहुत सारे बच्चे जुड़े हुए हैं। ये संदीप यादव, ये कहाँ थे जी? अरे आप भी आ गए हैं, चलिए जुड़े रहिए। और हम तो उस समय से देखे ने, बहुत सारे बच्चे जुड़े हुए हैं। वाह, आनंद आ गया मुझे भी, और शायद उम्मीद करते हैं कि आपको भी आनंद आ रहा होगा। तो ये ऑप्शन फटाफट कमेंट कीजिए कि कौन सा ये पार्ट है जिसमें पोलन ग्रेन और एग का फॉर्मेशन होता है। तो चलिए हम लोग देखते हैं, इसका सही जवाब आया है काफी बच्चों के द्वारा, ऑप्शन ए, जिसको हम लोग फ्लावर के नाम से जानते हैं। अभी आपको बताया गया कि फ्लावर में ही ना पोलन ग्रेन और एक सेल का प्रोडक्शन होता है, ये फ्लावर के फंक्शन में बताया गया था। आपको याद है? हाँ याद है। तो आपको ये जो भी पॉइंट पढ़ाया गया वो कैसा लगा, ये कमेंट करके बताइए। तब तक हम लोग आगे बढ़ते हैं। आप लोग बहुत देर से क्लास को अटेंड किए हुए हैं, थक गए होंगे, और तो हम लोग इसी पॉइंट के साथ लेते हैं आपसे विदा, और फिर मिलेंगे अगले लेक्चर में। जय हिंद।